समाधान यात्रा के तहत अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अररिया पहुंच चुके हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री अररिया के रानीगंज में विकास योजनाओं का जायजा लिया। रानीगंज प्रखंड के खराठा और मोहनी गांव में जल जीवन हरियाली समेत विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री अररिया में खेल भवन सह व्यायामशाला का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद संग्रहालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी। तो ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के तहत अररिया पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस दौरान कई योजनाओं का जायजा भी लिया और साथ ही जो लोग हैं उनसे मुलाकात की और जिले में चल रहे विकास योजनाओं का जायजा लिया। और इस दौरान कई मंत्री भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज अररिया में होने वाले समाधान यात्रा पे बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने तंज कसा है। सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री समाधान करने नहीं बल्कि पिकनिक मनाने अररिया आ रहे हैं। उन्होंने जिलेवासियों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस पिकनिक यात्रा के दौरान कई मसलों पे सवाल पूछने की अपील की। सांसद ने कहा कि बिहार सरकार की नीयत और नियति के कारण आज अररिया का विकास ठप पड़ा है। विगत 3 वर्ष पूर्व बियाडा द्वारा जमीन अधिकृत किए जाने के बावजूद जिले में अभी तक मक्का उद्योग चालू नहीं हो पाया है। बहनों एवं अपने सम्मानित अभिभावकों से मैं एक अपील करना चाहता हूं कि कल हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री 3 तारीख को अररिया आ रहे हैं समाधान यात्रा पे। मैं अररिया की आवाम से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 17 साल बाद समाधान यात्रा में आए हैं। मित्रों, ये हर साल कुछ न कुछ यात्रा में निकलते ही हैं, कभी विकास यात्रा तो कभी कुछ यात्रा। मैं अररिया जिला के लोगों से यही कहना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि कल मुख्यमंत्री जी से जरूर पूछिए। और मैं भी पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप समाधान के लिए निकले हैं 17 साल के बाद, अनेक अनेक नाम बदल के निकलते हैं, अब राजनीति करना छोड़ दीजिए, अब सामाजिक काम होना चाहिए, अररिया का और बिहार का विकास होना चाहिए। मैं सवाल करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप समाधान यात्रा में आए हैं, आपका स्वागत है, परंतु अररिया जिला का जो समस्या है, नीति आयोग के रिपोर्ट में भारत सरकार ने रिपोर्ट दिया है कि अररिया जिला पिछड़ा जिला है, परंतु इन पिछड़ा जिला में आपने विकास का काम का जो बाधक बन के रहा, मैं उसके बारे में अररिया जिला के लोगों से बताना चाहता हूं और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए कल सवाल कि मुख्यमंत्री जी, आप अररिया आए हैं समाधान यात्रा में, तो अररिया में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बना?